हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एंड टुडेज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। यस, सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। रीजन बिंग कि आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीसेट पेपर टू के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट आता है उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। यस, जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो कि ईजी सेक्शन माना जाता है। हाँ जी, ईजी पार्ट है आपके एग्जाम का। अब जो ईजी पार्ट है, ऑब्वियसली हमें उतना एग्जाम के अंदर सारा अटेम्प्ट करना चाहिए कि हाँ जी इतना हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस में तो काफ़ी कुछ है। यस, अगर मैं बात करती हूँ सिलेबस की, तो सिलेबस में तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और काफ़ी डिटेल में, तो मुझे कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब बात आती है कि मुझे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे मुझे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। ओके, तो अभी सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक मैंने ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करूँ लॉजिकल रीजनिंग का, अगर प्रीवियस ईयर का हम एनालिसिस करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ऑब्वियसली जो टॉपिक्स, यस, जिन जिन टॉपिक्स में से ऑलमोस्ट हर एक साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं, दैट मीन्स कि वो टॉपिक तो हमने प्रिपेयर करने ही करने। यस, अब यहाँ पे देखिए पूरे 6 ईयर्स का एनालिसिस मैंने किया है। अब आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ सिलोजियम की, यस, अगर हम सिलोजियम की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि सिलोजियम, यस, 2020 में भी क्वेश्चन आया, 19 में भी है, 17 में भी है, 15 में भी है। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट हर बार, हाँ जी, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन सिलोजियम पे से आ रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमने इसको तैयार करना है। यस, जब बात करते हैं सिलोजियम की, एक बात और भी ध्यान रखनी है कि टॉपिक आप देखो कि हाँ जी इस टॉपिक के अंदर आप कितना कंफर्टेबल हो। अब सिलोजियम है एक इजी टॉपिक है। यस, लॉजिकल रीजनिंग का तो अगर मैं कहूँ कि सारे के सारे ही टॉपिक इजी हैं वैसे तो, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका ये इजी पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिलोजियम इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं क्लॉक की, यस, क्लॉक की अगर आप बात करते हो तो क्लॉक और कैलेंडर दोनों को कलेक्टिवली आप देखिए, यस, 2020 में क्वेश्चन नहीं था, 19 में क्वेश्चन आया हुआ था, 18 में क्वेश्चन नहीं था, 17 में था, 16 में नहीं था, 15 में नहीं था, ठीक है। दैट मीन्स कि आप इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर भी सकते हो कि हाँ जी क्लॉक कैलेंडर में से कलेक्टिवली एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ठीक है, एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को लगता है कि क्लॉक का पार्ट ईजी लगता है, देखो हर एक स्टूडेंट की एक अलग मेंटेलिटी होती है हर एक टॉपिक को लेके, ठीक है ना। किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इजी है, किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि पर्टिकुलर टॉपिक मुश्किल है, ठीक है ना। उसका क्या है कि हर एक की स्टेट ऑफ माइंड ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि क्लॉक कैलेंडर मुश्किल है, हाँ जी, तो टेंशन नहीं लेनी, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आपने पहले थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, थोड़ा सा आइडिया है, वैसे तो क्लॉक कैलेंडर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे भी हमें आना चाहिए, ठीक है। क्लॉक डेली हम देखते हैं, कैलेंडर डेली हमारे सामने आता है, तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप ऑब्वियसली आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ जी डिफिकल्ट है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। डन, किसको, कैलेंडर वाले पार्ट को, डन, यस, कैलेंडर को आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की। अगर हम देखें कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 20 में भी था, ठीक है, 19 में भी है, 18 में भी है, देन 16 में भी है। हर बार कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स कि कोडिंग डिकोडिंग को स्किप नहीं कर सकते। यस, कोडिंग डिकोडिंग सभी ने करना है अच्छे से, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और लॉजिकल अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। यस, अगर आप करते हो इसके अंदर से, हाँ जी, अगर हम यहाँ से करते हैं टॉपिक, हाँ जी, एनालॉगी, यस, एनालॉगी क्लासिफिकेशन आप करते हो, या फिर लॉजिकल अल्फाबेट अगर हम देखें यहाँ पे, लॉजिकल अल्फाबेट करते हो और कोडिंग रिकॉर्डिंग करते हो, ये तीनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कई बार क्या हो जाता है कि कोडिंग डिकोडिंग पे डायरेक्ट ना आके एनालॉगी पे क्वेश्चन आ जाएगा, बट दैट इज बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न। ओके,
सेम वे लॉजिकल अल्फाबेट पे क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द कोडिंग डिकोडिंग मेथड। दैट मींस कि हमें हर एक अल्फाबेट की नंबरिंग पता होनी चाहिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड नंबरिंग, ठीक है, उनके अपोजिट जो है लेटर, एक लेटर है उसके अपोजिट कौन सा लेटर होगा, ये सारे बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो ये सोच के चलो कि हाँ जी कोडिंग डिकोडिंग तो आपने करना ही करना है। यस, कोडिंग डिकोडिंग किसी ने नहीं स्किप करना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग सभी ने करना है, देन इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। उसके बाद बात अगर हम करें डाटा सफिशियंसी की, तो अब देखिए 2020 में भी क्वेश्चन है, 19 में 4 क्वेश्चन थे डाटा सफिशियंसी के, उसके बाद में बात करते हैं 17 में भी क्वेश्चन थे डाटा सफिशियंसी के 5। दैट मीन्स कि डाटा सफिशियंसी पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। वैसे तो 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो डाटा सफिशियंसी का एक क्वेश्चन नहीं था, 4 क्वेश्चन थे। यस, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन थे वो थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से बेस्ड डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन थे, ठीक है, और एक क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड डाटा सफिशियंसी का। डाटा सफिशियंसी का जो टॉपिक है ये क्वांट में भी बनता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी बनता है, दोनों के अंदर है डाटा सफिशियंसी। मीन्स कि आपके पास में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए किन किन स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, किन किन स्टेटमेंट्स, जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनकी हेल्प से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग में भी बन जाते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी बन जाते हैं। दैट मींस व्हाट, कि दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है। डन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी डाटा सफिशियंसी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और लॉजिकल रीजनिंग का भी डाटा सफिशियंसी। इवन इस पे क्वेश्चन इजी होते हैं, मैं ये कहती हूँ कि डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो वो नहीं छोड़ के आना किसी ने भी, हाँ जी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि डाटा सफिशियंसी एक इजी टॉपिक है, जो क्वेश्चन आता है ना उसके अंदर ऑप्शन काफी इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, सिर्फ आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर, इवन आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं निकालना, हाँ जी क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर नहीं फाइंड आउट करना, सिर्फ ये देखना है कि हाँ जी इन इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ओके, विच स्टेटमेंट्स आर सफिशियंट टू गिव द आंसर। तो डाटा सफिशियंसी इंपॉर्टेंट बनता है, ये हमने करना ही करना है। डन, हाँ जी, उसके बाद में बात आती है ब्लड रिलेशन की, हाँ जी बात करें अगर हम ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन 2020 में 2 क्वेश्चंस थे, 1 क्वेश्चन इन 19, 1 in 18, 2 in 17 एंड 14-15 के अंदर से, 15-16 के अंदर से ब्लड रिलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, पजल की फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास में, हाँ जी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे अपने पास में जो क्वेश्चन है वो पजल में से आया हुआ था। हाँ जी देखो, अगर हम देखें 16-15 के अंदर तो पजल के बेस्ड पे क्वेश्चन आए हुए थे, तो पजल के अंदर आपके पास ब्लड रिलेशन आ सकता है, ठीक है ना। दैट मीन्स बट कि जो ब्लड रिलेशन है वो अगेन इंपॉर्टेंट बन रहा है, ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से तैयार करना है, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन ये मान के चलो कि आएगा ही आएगा, ठीक है ना? एक बात और कि हाँ जी 19 के अंदर देखो, 19 के अंदर 24 क्वेश्चन थे सी सेट के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग के 24 क्वेश्चंस थे, बट 20 के अंदर ओनली 14 क्वेश्चंस थे, क्योंकि अगर हम 2020 की बात करें तो सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ही 43 क्वेश्चंस थे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या पता इस बार लॉजिकल रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं आपके एग्जाम के अंदर, क्वांट के क्वेश्चन कम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ओके, यस। उसके बाद में अगर हम देखते हैं डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस आप देख सकते हो 2020 में 1 क्वेश्चन है, 19 में 2 क्वेश्चन है, 16 में 3 क्वेश्चन है, 15 में 2 क्वेश्चन है। दैट मीन्स वट, कि डायरेक्शन सेंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है आपका, हाँ जी डायरेक्शन सेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। उसके बाद अगर हम एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगी के अंदर, यस, अगर हम एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगी को अलग से तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनालॉगी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट आप देख लो, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एनालॉगी में क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, आपके पास में एक पेयर होगा, एक पेयर के अंदर एनालॉगस पेयर आपके पास गिवन होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो वो क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग के बेस पे, मींस अल्फाबेट पे रिलेटेड आ सकता है। और ज़्यादातर जो एनालॉगी पे और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं आपके जीएस से रिलेटेड, ठीक है ना, आपकी जनरल नॉलेज चेक कर रहे होते हैं कि हाँ जी आपको कितनी नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में गिवन है कि एप्पल इज ए फ्रूट, देन यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन आ सकता है देन टोमेटो इज ए क्या है, वेजिटेबल, ओके। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन पे अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास में ओड आउट ऑफ,
ठीक है ना, तो ओड आउट के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके इसके अंदर क्या होगा, आपके पास में चार ऑप्शन होंगे, उसके अंदर से तीन तो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे होंगे, एक ग्रुप को नहीं बिलोंग कर रहा है, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो अगेन वहां पे भी आपकी जनरल नॉलेज चेक करी जाती है। तो यहाँ पे एनालॉजी का जो पार्ट है वो ईजी पार्ट है, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, घंटा डेढ़ घंटा लगा लोगे, तो ये वाला पार्ट आपका इतना ही टाइम लेता है, इसे ज्यादा नहीं लेता, ठीक है ना। अब उसके बाद हम करते हैं बात पजल की। तो देखो पजल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रही हूं, अगर मैं देखूं तो 2020 में कोई पजल नहीं थी। अगर सिर्फ हम 2020 की बात करें तो कोई पजल नहीं थी, तो माइंड में आता है कि हाँ जी पजल तो आई नहीं रही। बट एक बात देखिए, यहाँ पे 19 में 3 पजल्स थी, 18 में 8 पजल्स थे, ठीक है। 17 में देर वर 11 क्वेश्चंस फ्रॉम पजल, मींस कि एक पजल है उसके ऊपर दो या तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चंस थे। 16 के अंदर 12 क्वेश्चंस वर फ्रॉम पजल एंड इन 15 देर वर 6 क्वेश्चन। अगर हम देखें टोटल में तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हाँ जी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो किस में से आ रहे हैं, अपने पास में पजल में से आ रहे हैं, ठीक है। मींस अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते हैं आप लोगों के लॉजिकल रीजनिंग के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली पजल आएगी, ठीक है ना। तो पजल आप लोगों ने करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे तो पजल इजीली हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो लेवल ऑफ पजल है आप ये लगा लो इजी टू मीडियम रहता है, हार्ड लेवल की पजल नहीं आती है, ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम की, तो लॉजिकल वेन डायग्राम आप देख सकते हो 19 में क्वेश्चन आया हुआ था, 18 में क्वेश्चन है, उसके बाद 15 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, दैट मींस कि टोटल 5 क्वेश्चंस लॉजिकल वेन डायग्राम में से थे। तो अब देखो लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर क्या है कि अगर आप इसको तैयार करते हो लॉजिकल वेन डायग्राम को, तो यहाँ पे जो सिलोजियम का कंसेप्ट है, ठीक है ना, सिलोजियम आप वेन डायग्राम के बेस पे करते हो, तो यहाँ पे ये दोनों आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम थोड़ा सा टाइम इस पे देते हैं तो सिलोजियम के क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने के चांस नहीं रहते, सिलोजियम के अंदर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो अगर देख बात करते हैं अब अर्थमेटिक रीजनिंग की, हाँ जी अगर हम अर्थमेटिक रीजनिंग को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर 2020 में एक क्वेश्चन था, 19 में भी क्वेश्चन है, 18 में भी क्वेश्चन है, 17 में भी, 16 में भी और 15 में भी, दैट मीन्स कि टोटल 9 क्वेश्चंस थे किसमें से, अर्थमेटिक रीजनिंग में से। अब काफ़ी एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हाँ जी अर्थमेटिक रीजनिंग में बेसिकली क्वेश्चन आते कैसे हैं, हाँ जी एक ऐसे क्वेश्चन जो हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन है क्वांट का, ठीक है, बट वहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में उसको नहीं डाल पा रहे, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है। तो उसको आप ऐसे भी कह सकते हो दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, ठीक है, और उसको आप ऐसे भी कह सकते हो दिस इज अर्थमेटिक रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ गया कि ये लगा लीजिए कि एक पार्किंग के अंदर फोर व्हीलर्स है, कुछ टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स इतने हैं तो बताओ कि जो टू व्हीलर्स है वो कितने होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमने देखना है कि जो फोर व्हीलर उसके फोर व्हील है और आपके पास टू व्हीलर्स है उसके टू व्हील है, इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसके बेस पे आप इक्वेशन बनाते हो और आपके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। एक इसी तरह से जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ, अभी हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन अर्थमेटिक रीजनिंग का जो कि लास्ट ईयर में आया था, ठीक है, उससे पहले हम बाकी का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन कंक्लूजन, आप ये कह सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग, यस क्रिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। तो ये यहाँ पे देखिए 19 में क्वेश्चन आया हुआ था कंक्लूजन पे बेस्ड, ठीक है, उसके बाद में आप ये देख सकते हो 17 में अजम्पशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, 16 के अंदर आपके 3 क्वेश्चंस थे कंक्लूजन पे बेस्ड, ठीक है, किस पे थे, कंक्लूजन पे बेस्ड थे। अब 15 के अंदर आपके पास में ये देख सकते हो आपकी 5 क्वेश्चंस थे वो भी कंक्लूजन के थे। अब बात आती है कि क्रिटिकल रीजनिंग के लिए क्या कर रहे हैं, कि जब आप इसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी रीजनिंग के अंदर जाके आप वहाँ पे आप क्रिटिकल रीजनिंग को प्रिपेयर करो, कोई जरूरत नहीं है। जब आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो, आपका इंग्लिश का सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम पे अजम्पशन कंक्लूजन के आजकल क्या ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, आपके पास में पैराग्राफ गिवन है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपके पास गिवन है और उसके बेस पे आप कंक्लूजन फाइंड आउट करो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम पे, स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे। और ऑब्वियसली अगर आप एक पैराग्राफ के अंदर से कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इन्फ्रेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, इन दैट केस
आप अगर स्टेटमेंट्स गिवन हैं तो उस पे से तो इजी कर लोगे, इजीली कर लोगे, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये आप ये मान के चलो कि अगर आपने इंग्लिश के पार्ट के अंदर से, इंग्लिश के अंदर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ जी इन्फ्रेंस कैसे फाइंड आउट करना है, कंक्लूजन कैसे देखना है, अजम्पशन कैसे है, तो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, आपके पास पैराग्राफ गिवन होता है और उसके बेस पे आपको फाइंड आउट करना होता है कंक्लूजन, इन्फ्रेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो ये वाला जो सेक्शन है मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ जी इसको अभी आप स्किप कर सकते हो रीजनिंग के पार्ट से, ठीक है ना। हाँ जी, बट अगर हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। देन अब देखिए उसके बाद बात करें अगर हम क्यूब एंड डाइसिस की, अगेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्यूब एंड डाइसिस के अंदर ये लगा लीजिए या तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्यूब पे बेस्ड, हाँ जी क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर अपने पास में डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, मीन्स कि कंबाइन क्यूब एंड डाइसिस इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 19 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था आपका क्यूब पे बेस्ड, 18 के अंदर 4 क्वेश्चन थे आपके डाइस पे बेस्ड, उसके अलावा 17 पे क्यूब पे क्वेश्चन था, 16 में क्यूब पे क्वेश्चन था, देयर वर टोटल 8 क्वेश्चन। दैट मीन्स कि क्यूब एंड डाइसिस कलेक्टिवली इम्पोर्टेंट बन जाता है और सबसे बड़ी बात ईजी है, यस क्यूब एंड डाइसिस ईजी टॉपिक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूब एंड डाइसिस भी आप देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आप ये लगाओ कि सिर्फ अगर एक दिन एक घंटा लगा लेते हो ना आप, तो क्यूब एंड डाइसिस का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग यस अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 20 में भी आया था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे, 19 में भी क्वेश्चन था, इसके अलावा 17 में क्वेश्चन था, 16 में 2 क्वेश्चन थे एंड 15 में 2 क्वेश्चन थे, दैट मीन्स कि ऑर्डर एंड रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट है। देन अब बात आती है लॉजिकल अल्फाबेट की, लॉजिकल अल्फाबेट अगर हम देखें तो 19 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, क्योंकि लॉजिकल अल्फाबेट के अंदर अगर आप कोडिंग डिकोडिंग कर लेते हो ना तो लॉजिकल अल्फाबेट्स आपको ऑटोमेटिकली वहीं से ही क्लियर हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। जब हम कोडिंग डिकोडिंग कर लेते हैं तो वहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि अल्फाबेट्स की नंबरिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब हम उस टाइम पे सीख चुके होते हैं, ठीक है ना। जब हम उस टाइम पे उसको सीख चुके होते हैं तो इसको आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इस पे कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन का अगर हम करते हैं तो वहां से भी आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। डन, अब बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। यस, सीटिंग अरेंजमेंट अगेन 18 में क्वेश्चन आया हुआ था, 17 में क्वेश्चन था एंड 16 में क्वेश्चन था, देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सीटिंग अरेंजमेंट, पजल सीटिंग अरेंजमेंट कलेक्टिवली क्वेश्चन आ जाते हैं। अब सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी क्वेश्चन पजल के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो वो आपने देखना है। उसके बाद में बात आती है अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अगेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 में भी क्वेश्चन था अल्फान्यूमेरिक सीरीज के अंदर, 17 में क्वेश्चन था, 16 में, अब यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन नहीं है बट मैं इम्पोर्टेंट फिर भी कह रही हूँ, रीजन बींग कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, दैट मीन्स कि इसके अंदर आपके पास जो सीरीज आएगी, सीरीज आपकी अल्फाबेट से रिलेटेड सीरीज आपने करनी है, ठीक है, नंबर से रिलेटेड जो सीरीज है, नंबर सीरीज, तो कई बार क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड आ जाता है, कई बार आपके पास में नंबर सीरीज आ जाती है। दैट मीन्स कि अगर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19 के अंदर अल्फाबेट की सीरीज नहीं थी, नंबर सीरीज थी, ठीक है ना, नंबर सीरीज थी, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार अल्फाबेट से रिलेटेड सीरीज आ जाती है, कई बार नंबर से रिलेटेड सीरीज आ जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने सीखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे, क्लियर। अब उसके बाद में काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर आपका 18 में आया था, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, हाँ जी इसको आप स्किप कर सकते हो। डन, अब एक और बात, जब सीरीज आप जब कर रहे हो तो उस टाइम पे हमने थोड़ा सा फिगरल सीरीज जो है उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस ना कई बार फिगरल सीरीज पे भी आ जाता है कि हाँ जी आपके पास एक फिगर गिवन है, उसके अंदर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो वो फिगर से रिलेटेड भी आ जाता है, वो डिपेंड करता है। जैसे कि 2018 के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन फिगर बेस्ड थे, ठीक है ना, तो अगर फिगर बेस्ड बाई चांस आ जाता है तो थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान रख लेना। डन, तो अब हम दोबारा से हाँ जी सिलेबस पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती जो इम्पोर्टेंट अपने टॉपिक्स बन रहे हैं, हाँ जी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो,
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज अगर टाइम है तो कर लो। मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, बट यही बात है कि आपको पता है कि जो सी सेट है दैट इज क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग है, तो कुछ टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ जी क्लॉक कैलेंडर मेरा किया हुआ है तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, सारे कंसेप्ट मुझे समझने पड़ेंगे, तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम एंड सिलोजियम, अगेन इंपॉर्टेंट है और आई होप सभी कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल्स इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट कम आता है, पजल्स पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इवन 2020 के अंदर नहीं आए थे क्वेश्चन, फिर भी अगर हम प्रीवियस देखते हैं तो पजल्स आती है। और यहाँ पे जो पजल्स अपने पास में आती है शेड्यूलिंग बेस्ड पजल ज़्यादा आती है। हाँ जी, अगर मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके आपको बता रही हूँ कि हाँ जी शेड्यूलिंग बेस्ड पजल ज़्यादा आ जाती है, जैसे मीन्स कि आपके पास में 2-3 वेरिएबल गिवन होंगे और आप टेबल बना के उस पजल को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। टेबल बेस्ड जो पजल होती है, थोड़ा सा मेथड देखना है। एक और बात कि अगर आप जैसे कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है, टॉपिक वाइज मैंने प्रीवियस ईयर का एक पूरे का पूरा हमारी सीरीज है उसके अंदर सारा डिस्कस किया है ये, तो अगर आप वहां से देख सकते हो तो प्रीवियस ईयर का आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज फ्री। अब उसके अंदर क्या है कि आपको एक लेक्चर मिल रहा है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं मैंने, उसके अलावा साथ में एक टेस्ट भी अवेलेबल है। आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो, आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक कितना है आपका, ठीक है ना। टेस्ट में अगर आप अच्छा अटेम्प्ट कर लेते हो, मान लो आपको 80% आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, इन दैट केस ठीक है, टॉपिक तैयार है ऑलमोस्ट अपना। अगर कम आ रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोडिंग डिकोडिंग किया, टेस्ट किया, टेस्ट भी 20 क्वेश्चंस थे बट आपके तो 8 ही क्वेश्चन, ठीक है। अब उस केस में आप क्या करोगे कि हाँ जी मुझे कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छा टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसकी अलग से प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप ले सकते हो, डन। हाँ जी, अभी हम बात कर रहे थे लॉजिकल अल्फाबेट्स। लॉजिकल अल्फाबेट्स अलग से करने की जरूरत नहीं है, जब आप कोडिंग डिकोडिंग करते हो तो लॉजिकल अल्फाबेट आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर लो, आप इस पे सिर्फ आप क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, ठीक है। क्यूब एंड डाइसिस, इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपको, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी क्यूब एंड डाइसिस के 500 क्वेश्चन करने, नहीं, ठीक है ना। सिर्फ क्यूब एंड डाइसिस पे कंसेप्ट समझना है, 2 वीडियो देखोगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अर्थमेटिक रीजनिंग की। अर्थमेटिक रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, सभी ने करना है, अर्थमेटिक रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, सभी ने करना है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग स्किप कर सकते हो, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग पे आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इंग्लिश के अंदर पूछ लिए जाते हो क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आते हैं काउंटिंग फिगर, अगेन स्किप कर सकते हो। एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, इस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई कंसेप्ट खास नहीं है, कंसेप्ट इसके अंदर खास नहीं है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आप अगर कर लेंगे तो इसके अंदर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। डाटा सफिशियंसी अगेन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, इसको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि डाटा सफिशियंसी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी। कंसेप्ट समझना है कि कैसे क्वेश्चन को देखना है, आपका नजरिया चेंज करना क्वेश्चन को देखने का, ओके, यस। अब अगर हम बात करते हैं, हाँ जी कुछ स्टूडेंट्स को हो रहा होगा कि हाँ जी मैडम बार बार अर्थमेटिक रीजनिंग कह रहे हैं, तो देखो पिछले बार कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, एक अर्थमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ही है, जैसे क्या है, इन ए क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी सी, एक क्लास के अंदर 3 ग्रुप हैं ए बी सी, एक पूरी क्लास है, इस क्लास के अंदर ग्रुप्स हैं ए बी एंड सी। इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, इसमें से एक स्टूडेंट यहां से सी में चला गया, यहां से 2 स्टूडेंट सी में चले गए, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, हाँ जी एवरेज एज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन को क्या लेंगे हम, एवरेज के अंदर कंसिडर करेंगे, नहीं, ये जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये आपके आते हैं किसके अंदर, अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर। सिर्फ लॉजिक यहाँ पे लगाना है, हमने यहाँ पे देखना है कि यार बच्चे जी इस क्लास इस ग्रुप से चाहे इधर चले गए, चाहे इधर से इधर चले गए, है तो क्लास में ही, और जो एवरेज होगी वो पूरी क्लास की आप चेक कर रहे हो वेट की, दैट मीन्स कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट है क्वेश्चन क्या है, इट रिमेन्स द सेम, ओके। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग पे, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। अगर आप कहो कि हाँ जी मैडम अपनी तरफ से इजी क्वेश्चन करवा रहे, बिल्कुल भी नहीं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है।
सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर? ध्यान जी देखो, आपको बिल्कुल सिंपल कहावत के रूप में बताती, कहते तितर के दो आगे तितर, एक तितर है ठीक है, तितर के दो आगे तितर, तितर के दो पीछे तितर। मैं हिंदी में बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? क्या है? तितर के दो आगे तितर, तितर के दो पीछे तितर, बताओ कितने तितर। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में आपके क्वेश्चन को कन्वर्ट करके आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, 2, 3, 5, 7, नन ऑफ दिस, इस तरह से। ठीक है, तो अब बताओ, अब हमें यहाँ पे पता है एक है, मीन्स की एक ऑब्जेक्ट, उससे फ्रंट के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके आगे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब क्या था दूसरा, कि एक ऑब्जेक्ट के पीछे भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी जो हम वेरिएबल ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, वहां पे कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी तितर बोला, ठीक है, वहां पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे एक कोई भी वेरिएबल आ सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, इसके अगर मैं देखू तो इसके पीछे दो है, इसके अगर मैं देखू तो इसके आगे दो है, फॉरवर्ड दो है, दैट मीन्स के टोटल कितने हो गए, मैक्सिमम मिनिमम कितने होंगे यहाँ पे आपके पास में, 3 होंगे। ओके, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्पल, और खासकर आप ये देखो कि सी सेट के अंदर अर्थमेटिक रीजनिंग के एटलीस्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आप चेक करना होता है कि हाँ जी जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, वो लॉजिकली कितना स्ट्रोंग है। डन, यस। तो अब हम बात करते हैं कि अब जो पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी कुछ कमी रह गई, जो जो आपके लूप होल्स हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के, वो आप कैसे पूरे करें। तो अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, तो अभिपीडिया के अंदर आपको इस लिंक पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अभिपीडिया, सभी को पता है 22 ईयर से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि हम जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यू कैन टेक द फुल सब्सक्रिप्शन, फुल वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज एंड माइक्रो कोर्सेज। अब मैं नहीं सलाह देती कि हाँ जी फुल वीडियो कोर्स लो, एक तो हो जाता है कि मैं कहूँ कि हाँ जी फुल वीडियो कोर्स ले लो, सी सेट की पूरी तैयारी करवा देते हैं, नहीं। ठीक है ना, हाँ जी डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी मैं कुछ ज्यादा ही वीक हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश के सेक्शन में, देन इनकेस यू कैन टेक द वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स। ओके, अदरवाइज जिस पर्टिकुलर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन टेक दैट। ओके, ये प्रीवियस ईयर का सी सेट का, दिस इज फ्री, ये मैं कहती हूँ सभी ने सब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं 6 ईयर्स के, और साथ में एक टेस्ट भी अवेलेबल है, सो दैट यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन। ओके, अब देखो, अब अगर हम देखें, हाँ जी, आप यहाँ पे लिंक पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यस, यहाँ पे अपना जो है क्या, abhipedia.abhimanyu.com पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे जाना है आपने, यस, सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विसेज के अंदर है आपके पास सी सेट। जब आप जाओगे सी सेट के अंदर, तो सी सेट में आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ जी, फुल सब्सक्रिप्शन, फुल वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज एंड माइक्रो कोर्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब आप माइक्रो कोर्स पे जाते हो, तो यहाँ पे आपके पास आ गया मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन। अब बात आती है कि हाँ जी मुझे लॉजिकल रीजनिंग के, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं कहती हूँ मुझे तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं सारा क्यों तैयार करूँ? 33% ही लेना है, बट फिर भी आप 50% के लिए प्रिपेयर होके जाओ। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यस, हाँ जी, यहाँ पे थे, हाँ, व्यू माइक्रो कोर्स पे आप जाओगे। ठीक है, जब आप जाते हो व्यू माइक्रो कोर्स पे, यहाँ से आप देख सकते हो सी ऑल करेंगे, तो आपके जितने भी, यस, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सीधा क्या करना है, यहाँ पे जाओ। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर भी अब डिपेंड करता है कि आप कहते हो कि मुझे थोड़ा तो आता है, क्या करते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए मुझे विद सॉल्यूशन, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हो। देखो आप यहाँ पे 481 प्रैक्टिस क्वेश्चन आर अवेलेबल ओवर हियर। ओके, तो ये सिर्फ आपको 164 में मिल जाएगा। अगर हम टोटल देखते हैं, दिस इज द कॉस्ट इज 238। ठीक है, बट अब अगर आप कहते हो कि नहीं ऐसा करते हैं, सिर्फ ना ऐसा करते हैं, सभी टॉपिक्स के ना हम कंसेप्ट सीख लेते हैं, वीडियो लेक्चर्स ले लेते हैं, ये नहीं लेते। जैसे ही हमने इसको अनटिक किया, अनटिक करते ही यहाँ से इसकी कॉस्ट
माइनस हो गए. नाउ दिस इज ओनली फॉर 74. अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, वीडियो लेक्चर को रख लो, स्टडी नोट नहीं चाहिए इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दिया. अब मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ क्या रह गया आपके पास में, हाँ जी क्लास वीडियो लेक्चर्स. बिल्कुल क्लियर है पॉइंट, हाँ जी समझ आ गया. आफ्टर दैट यू कैन बाय ऐड टू कार्ट, जो भी आपने करना आप इजीली बाय कर लोगे. बाय सभी को ही करना आता है, आपका जो भी अकाउंट होगा उससे आप बाय उसको कर लोगे, ठीक है ना. यहाँ से आपसे आपको रजिस्टर करना है, ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है ना. हाँ जी, अगर आपका पहले से लॉगिन बना हुआ है तो उस केस के अंदर आप पहले लॉगिन करिए, उसके बाद में आप उसको बाय कर सकते हो. डन, हाँ जी. अब हम दोबारा से बैक जाते हैं, हाँ जी अब हम एक बार दोबारा से बैक जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए. अब इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह रहे थे, बात अभी हम कर रहे थे अर्थमेटिक रीजनिंग की, ठीक है ना. अर्थमेटिकल रीजनिंग पे आप जाते हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेक डिटेल्स, ठीक है. चेक डिटेल करती है आपके पास अर्थमेटिक रीजनिंग आ गया. ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ओनली 79 रुपीज, देर आर 249 प्रैक्टिस क्वेश्चन आर, ठीक है ना. इसके अलावा दो वीडियो लेक्चर है ओनली फॉर 36 रुपीज, क्या आता है 36 रुपीज के अंदर, ठीक है ना. और यहाँ से आपका कंसेप्ट आपका जरूर क्लियर हो जाएगा. तो अगर किसी भी तरह की आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस पर्टिकुलर हॉल को फील करिए कि हाँ जी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना. तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो अभिपीडिया के साथ में, ओके. तो देखिए कोई भी आपका टॉपिक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करिए. डन, हाँ जी. आई होप सभी को पॉइंट क्लियर है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले, सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को देखना है. सिलेबस के अंदर से ये देखना है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक मेरे क्लियर है, टिक करते चलो, ठीक है. हाँ जी टिक किया मैंने, मेरा कोडिंग डिकोडिंग क्लियर है, ठीक है. उसके बाद हमने टिक किया कि मेरे पास में मुझे ब्लड रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, चलो जी ब्लड रिलेशन तैयार करना. देन एक और बात कि डेली एक घंटा सभी ने लगाना ही लगाना है सी सेट के ऊपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करने हैं डेली, ठीक है. चाहे तो कोई टेस्ट अटेम्प्ट करिए, चाहे तो आप, हाँ जी. एक और बात, अगर आप यहाँ पे, यस अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो आप यहाँ पे देखो पहले प्रीव्यू देखो. अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक लेना है तो यहाँ से देखो जो क्वेश्चन है वो कैसे मिलेंगे आपको जब आप क्वेश्चन पे जाते हो, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखिए जब आप क्वेश्चन पे जाते हो तो यहाँ पे प्रीव्यू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार सभी ने क्या कर लेना, रजिस्टर कर लेना है. जब आप इसको रजिस्टर कर लेते हो तो यहाँ पे आपके पास में अर्थमेटिक, ये देखिए, हाँ जी जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे, हाँ जी. जो क्वेश्चन हैं वो आपको टेस्ट की फॉर्म में यहाँ पे मिलेंगे. डन, तो जब आप करोगे तो ये देखो लॉगिन हो गया अपना. अब देखते हैं, ये देखिए ये एट क्वेश्चन है, इसका जब आप प्रीव्यू लेते हो आ गया. अब यहां से जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है ये कितने 249 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं. अब इन 249 क्वेश्चन जब आप ले रहे हो तो उस केस के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे ये फर्स्ट टेस्ट है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आज मेरे पास में टाइम कम है, आज तो मैं 15 क्वेश्चन ही करूंगी, तो यहाँ पे आप इस टेस्ट को 15 भी कर सकते हो. यस, इस टेस्ट को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको 15 करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा. सिंपल सी बात है. अगर आप इसी तरह से यहाँ पे आप कहते हो कि नहीं मुझे ज़्यादा का टेस्ट चाहिए तो आप इसको 50 कर लो. अब अगर आप कहते हो कि हाँ जी मेरे पास में आज टाइम ज़्यादा है तो उस केस के अंदर हम ज़्यादा बड़ा टेस्ट करना है तो आप इसको 50 कर लो. क्लियर, हाँ जी. तो यहाँ से आपके पास में ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. अब जो टेस्ट है, टेस्ट आपको बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस के साथ में मिलेगा. जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जैसे आपके पास पेपर आता है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हो आप टेस्ट को, ओके, ठीक है. अब यहाँ पे अभी हमने परचेज नहीं किया हुआ तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अभिपीडिया अभिमन्यु सेज काइंडली सब्सक्राइब और प्रोसीड, मीन्स कि जब तक हमने इसको नहीं लिया हुआ है टेस्ट को, ठीक है, जब तक आपने क्वेश्चंस नहीं लिए हुए तब तक ये टेस्ट अभी आपका चलेगा नहीं. अदरवाइज यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट, आफ्टर अटेम्प्टेशन ऑफ द टेस्ट यू कैन रिव्यू योर टेस्ट. उसके बाद में जो टेस्ट है, अगर मान लो उस टाइम पे आपने रिव्यू नहीं किया, टेस्ट कर दिया, उसके बाद में आफ्टर अटेम्प्टेशन ऑफ टेस्ट आप कहते हो कि हाँ जी मैं शाम को रिव्यू कर लेता हूँ, अभी मैंने टेस्ट कर लिया है. अब क्या करोगे,
टेस्ट लॉग के अंदर आपका पूरे का पूरा टेस्ट विद सॉल्यूशन आपके पास में अवेलेबल है। तो आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहीं किसी भी पोर्टल पे नहीं मिलेगी। मैं गारंटी लेती हूँ कि इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अभी पीडिया आपको इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम दे रहा है कि हाँ जी जितना चाहिए उतना लो, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर मेथड से। डन, सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक अपनी प्रिपरेशन के लिए, लगे रहिए, गुड लक, थैंक यू।